इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से रिज्यूम आप बना सकते हैं। तो ये जो रिज्यूम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। 2 पेज का रिज्यूम है, बनाए इससे ज्यादा रिज्यूम ना बनाए। तो ये 2 पेज का रिज्यूम आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट मैंने डाल दिए हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले अपना सीवी किस तरह से बनाना है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद अपना एड्रेस 3 लाइन में अपना एड्रेस लिख दें, जिससे ज्यादा ना लिखें। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आप 2 भी दे सकते हैं, या फिलहाल मैंने एक लिखा हुआ है, तो आप 2 कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखें यहाँ एक लाइन लगा करके नीचे कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो ये इस बहुत सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप बहुत सारे जो करियर ऑब्जेक्टिव हैं वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। इसके साथ साथ इसको स्टडी भी कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव आपने डाला है कि उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डाल दें, मेन क्वालिफिकेशन डाल दें, आप जो कर रहे हैं या कंप्लीट हो चुकी है दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आईलेट्स बी एड जो भी आपने किया वो डाल दें। उसके बाद कंप्यूटर स्किल का अलग से कॉलम बना के उसमें बेसिक नॉलेज है, इंटरनेट है, एक्सेल वगैरह, आप यहाँ पे एक्सेल वगैरह भी डाल सकते हैं। एडवांस किया है तो एडवांस डाल सकते हैं, पावर पॉइंट जो भी आपको आता है यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ईमेल वगैरह की नॉलेज है जो भी आपको, तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे डाल दें, जो जो आपकी स्किल है। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किया है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, सबसे पुराने वाला जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ से स्टार्ट करें, उसके बाद जो लेटेस्ट है वो नीचे यहाँ पे डाल दें। तो ठीक है, सीरियस में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल दें जो भी आपने किया, कम से कम 6 मंथ प्लस होना चाहिए, सिर्फ वही मेंशन करें। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ डाल दें, हॉबीज, और उसके बाद अपना पर्सनल बायोडाटा डालें। पर्सनल बायोडाटा में अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, के बाद अपना इस पे सिग्नेचर करके 2 पेज से ज्यादा रिज्यूम ना बनाए। थैंक यू।